बहुत ज़्यादा धूप है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? सब उम्मीद करता हूँ सब कैसे होगा। तो लाखों सामान में फिर दोस्तों आप देख सकते हैं चिली मेरी की डाइट ख़त्म हो चुकी है और मैं डाल लें जहाँ से। आप भाई देखिए कितनी ज़्यादा यार धूप है, तो बहुत ज़्यादा धूप है। थोड़ी देर से चलते हैं यार, डाइट भी लानी है। और मैंने अपने सीर मुर्गे को यहाँ पर खोला हुआ, यहीं कहीं हो गया। आ आ, आ किधर है वो? ये देखा अपने बच्चे को साथ, सारे यहाँ पर है, सारे यहाँ पर बैठे हुए दोस्तों, और ये फाइटिंग कर रहे हैं। वाह छोड़ो यार, लो 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 इनकी फाइटिंग देखो दोस्तों। यार छोड़ दो, लड़ो ना दोस्तों, आपस में सारे लड़ रहे हैं। देखो प्यास से सारे प्यासे हो पड़े हैं। चलो यार दोस्तों चलते हैं और चिली में की डाइट लेने चलते हैं, क्योंकि डाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनको डाइट डालनी है यार। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी चिली में ली और उसके बेबी रैबिट साहब को। आप इसको बिल्कुल सारी मैं सफाई भी कर दी सुबह सुबह, और देखो सारे यहाँ पर डाइट का इंतजार कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, डाइट लेके आते हैं। चलो चलते हैं, चलो दोस्तों चलते हैं। पुराने वाले 70 में जा रहा हूँ डाइट लेने, तो सीधा मैं आपको डाइट की दुकान में मिलता हूँ, सीधा चलते हैं रैबिट की डाइट लेने। चलो और ये देखो कितना प्यारा इमोजी लगाया हमने। दोस्तों ये दुकान पे आया था असील मुर्गा लेने पर नहीं मिला, अब घर जा रहा हूँ सीधा, और डाइट वाली दुकान भी बंद पड़ी, अब सीधा घर जा रहा हूँ। ये दुकान से मैंने ली थी सील मुर्गन के पास, नहीं आप सीधा घर जाए। दुकान पर तो मुझे भी काफ़ी लेट हो गया स्क्रीन पर डालने लगा, तो कहते सुबह सुबह आना, धूप काफ़ी थी, तो मैंने सर पे एक कपड़ा लिया हुआ था। तो बाई से मैं थोड़े से आम के पत्ते लेके आया, मैं डाल के देखता हूँ तो मेरे रैबिट खाते हैं, तो उनको डाल देते हैं ला के। चलो भाई खाओ, खाते हैं दोस्तों, खा तो रहे हैं, पता नहीं शौक से खाने की मजबूरी है, खा रहे हैं माशाल्लाह दोस्तों। दोस्तों ये लोग खा रहे हैं, तो मैं जल्दी से जाके ये ले आता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ किधर पड़े हुए हैं। ये सामने प्लाट ही है, वो सामने प्लाट में पड़े हुए हैं, पूरा दरख्त ही लोग किसी ने काट के रखा हुआ है, तो मैं ये जाके उठा के ले आता हूँ। मेरे रैबिट ये खा रहे हैं माशाल्लाह से, और ये मेरी मुर्गी बहुत, मेरी जो मुर्गी के बच्चे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लड़ने लग गए हैं। अभी देखते हैं ये तो बैठ के लड़ रहे हैं, नहीं दोस्तों इधर नहीं लड़ रहे, इसको जैसे ही बाहर खोलूँगा ये लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे। और मैं मार्केट भी गया था, तो वहाँ से मैंने असील मुर्गे का पता किया, पर वो कह रहे अभी नहीं आया, अब देखते हैं कब तक आता है। और जो मेरे फ्रेंड के पास जो मुर्गा था ना, वो मुझे ना ज़्यादा बड़ा बड़ा लगा। मेरी मुर्गी देखो कितनी छोटी सी है, इसका तो वेट ही नहीं है, उसका काफ़ी वेट था यार, इसलिए मैंने वो बना नहीं, कोई मैंने छोटा सा लेना है कोई, और वो मारता भी था, उससे ज़्यादा तंग कर दो माता, इसलिए मैंने वो नहीं लिया, वो वाला लेना, अपना लेके आया कोई अच्छा सा लेके आएंगे इंशाल्लाह। और ये माशा से मैं इसकी मैंने कुड़क भी तोड़वा दी है, कुड़क हुई हुई थी, और आपको एक कुंडली तो मैंने दी नहीं, आपको मैं देता हूँ इसको मैंने बंद करके। जो हमारी एक मुर्गी मैंने अंडों में बिठाई थी, फाइनली तकरीबन तकरीबन 5 दिन बाद उसके बच्चे निकल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह दोस्तों, जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा। और अंदर जो रैबिट के बेबी थे ना, उनके एक सैर नहीं हुआ, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यार, ये देखे सारा दोस्तों। ये मैंने कूलर बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर ना रैबिट के तकरीबन 11 बच्चे थे, जिसमें से 5 दोस्तों मर गए थे गर्मी की वजह से, या किसी ने मारे थे, 5 मर गए थे। पीछे दोस्तों कुछ रह गए थे, 7 रह गए थे पीछे, वो सेफ हैं। और 2 और छुटकू आ गए हमारे पास, 2 और कल परसों आए हैं, वो भी अंदर है। और मैंने इसकी वजह से कूलर बाहर निकालने के, कूलर में कोई भी भीड़ नहीं करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए मैंने उसका व्लॉग बनाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें बहुत अपसेट हो गया था। मेरे 5 रैबिट बेबी मर गए थे, मैं आपको जाकर वो भी दिखाता हूँ। मुझे चाहना कि मेरे ख्याल है, मैं वहाँ से उठा ना रे, मैं जल्द से जाकर ले आऊँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया दोस्तों। मैं रैबिट पे भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा पूरा दरख्त हमारे घर में आ गया दोस्तों, बहुत मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ। मेरे को थोड़ा सा जाएगा इसको मैं अंदर रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ, आप वैसे देखें कितना मुश्किल से मैं यहाँ पर लेके आया करूँगा, आया हूँ। मैं वैसे अकेला ही हूँ, बिलाल भाई गए हुए कहीं काम से, बहुत थक गए यार, इसको मैं खींचने की कोशिश करता हूँ, आ जाओ यार। दोस्तों मैं मोबाइल रखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, एक हाथ से नहीं होगा। ओए दोस्तों आप देखा, हमारा घर पूरा चिड़ियाघर बन चुका है, और अब देखें इनके पत्ते खा भी रहे हैं कि नहीं। दोस्तों खा तो रहे हैं, अब थोड़े थोड़ी देर बाद मैं और डाल देता हूँ। वैसे आप देखें मैं कितने ज़्यादा लेके आया हूँ, और ये देखो लड़ने के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर लड़ा जा रहा है, फाइटिंग हो रही होगी,
यार ये लड़ रहे हैं ना भाई यार, बहुत जोर जोर से एक दूसरे को मारे दोस्तों, इनको अलग अलग बंद करते हैं। मैंने अलग करा पर ये देखे ऐसे बोलने लग गए, मुर्गी भी काफी ज्यादा बोलने लग गई यार। दोस्तों मैं क्या करूँ यार, ये लड़ने भी बहुत है, इन्होंने मैं आपको दिखाता हूँ, इसने इस वाले को ज़्यादा जख्मी कर दिया। इस वाले को आप देखें, बहुत ज़्यादा इन्होंने जख्मी कर दिया, सारा इसका मुंह से ना ब्लड बहने लग गया यार। तो इसलिए मैंने अब सबको अलग अलग बंद करूँगा और इनको ना कुड़क कहेंगे छुड़ाने लगा मुर्गी से, जो बच्चों के कुड़क बोले हुए ना बच्चे अलग करने लगा हूँ मुर्गी से यार। बहुत बुरे मार रहे हैं दूसरे को, इनको मैं दो को यहाँ बंद कर दें क्योंकि ये दोनों इतना नहीं लड़ रहे आपस में, दूसरे को पर बहुत मार रहे हैं। और एक इसका ना बंद कर दिया, तीन यहाँ पर फिर रहे हैं जो जख्मी है थोड़े थोड़े। इन दोनों ने तो बहुत मारा सबको इन दोनों ने, हालांकि ये मुर्गी यहाँ पर लड़ती इतनी है कि बस आपको क्या बताओ, अभी इन्होंने शोर डाला हुआ है और सब रैबिट को मैंने खोल दिया ताकि भाई जाके ये खा लें जो मैं लेके आ गया पूरा दरख्त ही घर पर। अलग अलग करा तो मुर्गी ने काफ़ी ज़्यादा शोर करने लग गया, तो अब मैं क्या करूँ, अगर इनको साथ रखता होगा तो मुर्गी वो बच्चे लड़ने लग जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं पर इनकी कहीं जगह बनाते हैं यार, क्या यार तो जगह भी नहीं है मेरे पर रखने की। मैं तो कुछ सोचते हैं इनके बारे में, इनको भी क्या कहते हैं उससे पर मैं आपको छोटे बेबी रैबिट दिखा देता हूँ। तो सर दो जो छोटे रैबिट हैं आपको दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह से अभी काफ़ी है इनमें से यार, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ये सारे यहाँ पर मैंने छोड़ दिए हैं इस पेटी के अंदर। पर यहाँ पर कूलर पड़ा हुआ था तो कूलर के अंदर बच्चे थे, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये है और एक ये छुपा हुआ है। ये दो दोस्तों जो आपको दिखाता हूँ, एक ये बड़ा और एक ये छोटा सा है, ये दोनों दोस्तों बाद में यहाँ पर नुक्कड़ बैठे हुए तो मैंने उसको भी यहाँ पर छोड़ दिया। अभी लगता है माँ इनकी माँ ने इनको फीड नहीं कराई हर एक, इसका तो पेट देखो अंदर चिपका हुआ यार, लगता है सबको अंदर करना पड़ेगा। इसका भी यहाँ की फीड हो गई इनको, और ये हम पर गर्मी से मरे हैं, क्या हुआ कोई इसको ऊपर चढ़ गया इसलिए यार वो भी मर गए बेचारे। और भाई आप देखें फिर लड़ने की बाजी आ रही है साथ, यार लड़ बहुत रहे हैं यार, मैं क्या करूँ। चलो दोस्तों इनके बारे में कुछ सोचते हैं यार, इसको यार बंद कर देते हैं। अब इनको माँ बाप से अपनी माँ से अलग कराएं कि नहीं यार, इसके बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। ये दोनों दोस्तों नहीं लड़ रहे, पता नहीं अभी चुप हो गया है, अगर मैं उन सबको खोलूंगा तो ये सब फिर लड़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश ना, मैं इनके लिए कोई पिंजरा या केज लेता हूँ या बनाना पड़ेगा यार, बहुत शोर कर रही है। मुर्गा सबसे पहले मुझे लाना पड़ेगा जिसके साथ मैं इसको छोड़ सकूँ अलग से। यहाँ हमारे सारे बेबी रैबिट और रैबिट चिली मेरे सारे आराम कर रहे हैं आराम से, और यार मुर्गी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है अपने बच्चों की वजह से। इसका मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से मुर्गा लाना पड़ेगा यार, बिलाल भाई भी घर पे नहीं है ना यार, लड़ो तो ना यार। अचानक दोस्तों कल तो सही है सब, सुबह सुबह देखो तो सारे लड़ने लगे, सारे जख्मी हैं, ये थोड़ा सही है और ये भी सही है, और यहाँ पर ये चूजा ज़्यादा कुछ ज़्यादा जख्मी हुआ है। किधर गया यार ये, तो इसके नीचे छुप गया और कुछ ज़्यादा जख्मी हुआ है। खैर दोस्तों कल देखेंगे यार, शाम तक मैं जाता हूँ, कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। तो जैसे दोस्तों आज की हमारी वीडियो में देखे तो आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, मेरे चैनल अच्छे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। और रैबिट भी दोस्तों काफ़ी दिन हो गया हमारे, 5 रैबिट भी मर गया, 2 दिन हो गया रैबिट भी मर गया, और अब दूसरे ये टेंशन आ गया कि ऊपर ये लड़ बहुत रहे हैं। अब इनका क्या करना, अगर एक अलग अलग कर रहा हूँ तो मुर्गी शोर कर रही है, मुझे लगता है पहले मुझे मुर्गा लाना पड़ेगा फिर इनको अलग अलग करना पड़ेगा।